सेट है, ठीक है। तो ये दिखाइए चेयर। हाँ जी, तो ये चेयर है इसकी, ठीक है, बिल्कुल डैमेज नहीं है कहीं से, है ना, ठीक है। अच्छा, ये टेबल हो गई और इसमें 6 चेयर्स हो गई, तो ये कितने का सेट हो जाएगा भाई? तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी डाइनिंग सेट है जी भाई। तो कितना कर देंगे आखिरी इसका? 16,000 रुपये। ये ड्रेसिंग टेबल हो गई और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सेट है। तो ये मैं अपने स्क्रीन में पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये मेरे पूरे स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, ड्रेसिंग टेबल, बेड, फोर डोर डिवाइडर एंड फोर डोर कबर्ड एंड साइड टेबल्स, ठीक है जी भाई। तो देखिए ये हो गई ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। इसके ड्रॉ दिखाइएगा प्लीज़ ज़रा। तो देखिए अच्छी सी है ज़रा, जी हाँ, ये दराज इसकी ये इस तरह से है। अच्छा, और दिखाइए इसमें नीचे। अच्छा, बस एक ही दराज है। तो अच्छा, ये अच्छी खूबसूरत सी है। ये लकड़ी कौन सी है भाई? शीशम की लकड़ी है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया इसका बेड, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये बेड हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और इसमें देखें ब्रास का काम हुआ हुआ है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये ब्रास का काम हुआ हुआ है ना, हाँ, ये देखिए, हाँ, ये तो बहुत एंटीक चीज़ है, आजकल बहुत कम होता है। अच्छा, ये 3 डोर कबर्ड हो गई और ये इसके साइड टेबल्स हैं। अच्छा, तो इसमें भी ब्रास का काम होगा पूरा, है ना। तो अब देखिए मैं अपने स्क्रीन में इसको लेने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरा नज़र आ जाए। तो देखिए ये अभी आपको मेरे स्क्रीन 15 हो जाएगा, हो जाएगा, ओके जी, डन हो गया है, 15 में डन हो गया है। अच्छा, दूसरा अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पे ये डाइनिंग सेट नज़र आ रहा है जी। ये डाइनिंग सेट कितने का होगा? हाँ, कितना? 30? नहीं, 30 डन है। अच्छा, 10 करें, ये तो सिंगल सा है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या दो हैं? ये दो है, दो सिंगल बेड हैं। तो कितने का हो जाएगा ये दो? सिंगल बेड नहीं है, 5x6 का साइज है। अच्छा, कितने का हो जाएगा ये? ये दोनों हो जाएंगे आपको 16,000 रुपए। 15 हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अच्छा, 40 में फाइनल पड़ेगा। 40 में, और विदाउट कबर्ड के? विदाउट कबर्ड के ये आपको फाइनल जो है 30 का पड़ेगा। 30 का, 30 का डन कर रहे हैं आप, ठीक है ना। जरा सा बेड और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सेकंड हैंड फर्नीचर की शॉप विज़िट करवा रही हूँ, सो लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले मैं एंटर हुई हूँ, तो देखें यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल नज़र आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, अब ज़रा आप अपने ये शॉप विज़िट करवाइए प्लीज़, ठीक है जी। ये कॉट की क्या प्राइस है जी? 8,000 है। कितना कम हो जाएगा? 6 नहीं कर देंगे? 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो कितना हो जाएगा लास्ट? 6,500। ये कह रहे हैं ये ओके कर देंगे। ज़रा ड्रॉ दिखाइएगा, इसकी ड्रॉ सही है? इसकी ये दराजें जो है ना, ये दिखाइएगा, ये दराज है जी। अच्छा, चले ठीक है, ओके ओके, ठीक है जी। तो ये इन्होंने इसकी लास्ट प्राइस यही बताई है। अच्छा, ये कबर्ड है जी, ये स्टील की है। हाँ भाई, तो ये कितने की हो जाएगी? ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये। 16 की? 16,000। अच्छा, 16 में देंगे, कुछ कमी हो जाएगी? ये 15,000 तक में, 15 कर देंगे। अच्छा, ये आपके डाइनिंग टेबल सेट है, ठीक है। तो ये दिखाइए चेयर। हाँ जी, तो ये चेयर है इसकी, ठीक है, बिल्कुल डैमेज नहीं है कहीं से, है ना, ठीक है। अच्छा, ये टेबल हो गई और इसमें 6 चेयर्स हो गई, तो ये कितने का सेट हो जाएगा भाई? तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी डाइनिंग सेट है जी भाई। तो कितना कर देंगे आखिरी इसका? 16,000 रुपये। 16 में डन कर देंगे, ओके जी। चलें अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक मुझे ये सेट नज़र आ रहा है जी। ये कितने का हो जाएगा? जी हाँ, ये कौन सी लकड़ी पर है? ये शीशम पे है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो भाई ये कितने का हो जाएगा? 16,000। 15 कर दीजिए, ठीक है, 15 में ये एग्री है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो ये है ये रैक कितने का हो जाएगा? सेकेंड हैंड है ना ये? तो सेकेंड हैंड तो भाई आप कम करें, मैंने भी इस तरह का खरीदा था। तो ये तो आपने 2 कर दीजिए,
2500 ढाई में कर देंगे। वैसे नया कितने का होता है ये? नया कितना? 5000 का नया मिलता है। अच्छा 5000 का नया है, आप दे रहे हैं ढाई में, ठीक है जी। अच्छा ये आपका बेडरूम सेट है? ये कंप्लीट बेडरूम सेट है, ठीक है जी जी। एक मिनट मैं अपने स्क्रीन में इसको पूरा दिखा देती हूँ। तो देखिए ये देखिए ये हो गई ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। इसके ड्रॉ दिखाइएगा प्लीज़ ज़रा। तो देखिए अच्छी सी है ज़रा, ये दराज है जी। हाँ ये दराज इसकी, ये इस तरह से है। अच्छा और दिखाइए इसमें नीचे। अच्छा बस एक ही दराज है तो। अच्छा ये अच्छी है, खूबसूरत सी है। ये लकड़ी कौन सी है भाई? शीशम की लकड़ी है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया इसका बेड, ठीक है ठीक है। ये देखिए ये बेड हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और इसमें देखें ब्रास का काम हुआ हुआ है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये ब्रास का काम हुआ हुआ है ना? हाँ ये देखिए, हाँ ये तो बहुत एंटीक चीज़ है, आजकल बहुत कम होता है। अच्छा ये 3-door कबर्ड हो गई, और ये इसके साइड टेबल्स हैं। अच्छा तो इसमें भी ब्रास का काम होगा पूरा, है ना? तो अब देखें मैं अपने स्क्रीन में इसको लेने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरा नज़र आ जाए। तो देखिए ये अभी आपको मेरे स्क्रीन में फुल नज़र आ रहा है। तो ये देखिए ये ऊपर जो है ना टॉप पे इसकी साइड टेबल्स बहुत ही डिफरेंट सी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। अच्छा ये 3-door कबर्ड हो गई, और ये ड्रेसिंग टेबल जी भाई। अब इसकी कीमत बताइए आप, सही बताइएगा। कितना? कम कर दीजिए, 50 कर दें, 50 हो जाएगा। ओके जी डन करवा दिया मैंने। देखिए बहुत एंटीक पीस है, ये देखिए पूरा ब्रास का काम हुआ हुआ है। और ये आपने फिनिशिंग करी हुई है इसकी, और करेंगे और भी करेंगे? अच्छा इसके ब्रास को और ज़रा चमका देंगे ना। अच्छा अच्छा एक ये है आपका बेडरूम सेट, ये कितने का हो जाएगा? 16000। अच्छा 15 डन, ओके 15 डन है। ओके जी 15 डन करवा दिया है। अच्छा ये कबर्ड है, ठीक है ये सिर्फ कबर्ड है? हाँ अच्छा ये सिर्फ अलमारी है? अलमारी है। अच्छा और पूरा सेट नहीं है? अच्छा तो कितने की हो जाएगी सिर्फ अलमारी? ये तकरीबन 18000 तक तैयार कर। अच्छा लकड़ी कौन सी है ये? प्लाई। अच्छा पिलाई है, अच्छा इसीलिए महंगी दे रहे हैं। कुछ कम कर दें, 15 कर दें। नहीं हो जाएगा भाई, करके तो देखें, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है 15 डन है। 16 में कह रहे हैं, ओके चले नॉट बैड। पिलाई है क्योंकि आजकल ऐसा हो मिलती नहीं है ना। अच्छा अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो ये क्या है? ये जी अच्छा 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 डाइनिंग चेयर्स हैं उसकी आयरन की ना। तो ये कितनी है? ये 6 कुर्सी। 6 कुर्सियाँ कितने की हो जाएंगी? 6 प्यार करके जिसकी जो ना गद्दियाँ बद्दियाँ जी गद्दियाँ नए लगवा के देंगे। हाँ 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 ये 12000 रुपये को 12 में हो जाएंगी। अच्छा और ये क्रॉकरी रैक है आपका? ये ट्रॉली कंप्यूटर है उसका। अच्छा कंप्यूटर टेबल है जी जी, ठीक है। ये कितने का हो जाएगा? ये आपको पड़ेगा 10000 रुपये। 10 का पड़ जाएगा। अच्छा और दूसरे ये क्या बेडरूम सेट है नीचे? ये बेड है? बेड है ओनली बेड। अच्छा कितने का हो जाएगा? 12000 प्लेन सा है ये, तो सस्ता कर दें आप, 10 का दे दें। 10 का? हाँ बिल्कुल सादा सा है भाई ये तो। अच्छा ये इसके साथ ड्रेसिंग टेबल है क्या? ये खाली ड्रेसिंग। अच्छा इसके साथ मैच हो सकती है ना? हाँ ठीक है जी। अच्छा ये है, ठीक है। अच्छा ये दिखाइए सिंगल में ना, ये भी ब्रास का काम है ना? हाँ ये तो ड्रॉज है, नहीं नहीं ये आपके ये सिंगल बेड है ना, ठीक है ये ज़रा दिखाइएगा। हाँ जी तो ये क्या? नहीं ये उसका काम हुआ हुआ है, ये जो वो हाथी दांत होता है ना। हाँ ये तो बहुत ही एंटीक चीज़ है। तो ये क्या 2 सिंगल बेड हैं? 2 सिंगल बेड। 2 सिंगल बेड हैं हाँ। तो भाई कितने का दे देंगे ये? 25000 रुपये तैयार करके मिल जाएगा। 20 कर लीजिए है ना, 20 काफ़ी हो जाएगा। तो देखिए ये एंटीक पीस है। तो जी कितने का एग्री हो गए आप इसके लिए? 20 में? हाँ ओके जी चले अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अच्छा अब मुझे यहाँ एक सोफ़ा सेट नज़र आ रहा है, तो जी ये कितने का हो जाएगा सोफ़ा सेट? 15000 का। 10 का नहीं हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। ओके जी देखिए 10 में ये सोफ़ा सेट देने को एग्री हो गए हैं। अच्छा दूसरा मुझे एक यहाँ बहुत ही अच्छा सा फैंसी टाइप का बेडरूम सेट नज़र आ रहा है। तो ये कंप्लीट बेडरूम सेट है? अच्छा हाँ ये कंप्लीट है ना, और ये 4 पीस में है।
तो देखिए ये है इसकी कबर्ड, ज़रा कबर्ड दिखाइएगा खुल के। हाँ जी, तो देखिए ये है इसकी कबर्ड और ये वाला दिखाइएगा बीच का। तो ये हो गया यहाँ हैंगर का हो गया, नीचे दो ड्रॉ हैं और इधर शेल्फ हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। तो और ये इसकी साइड टेबल्स हैं ना ऊपर जो हैं, ठीक है। ये इसकी साइड टेबल्स हो गई, ये फोर डोर कबर्ड हो गई है और ये बेड हो गया, ठीक है। ये बेड हो गया। अच्छा ये डिवाइडर जी, फोर डोर डिवाइडर हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये ड्रेसिंग टेबल है जी। तो ये देखिए आप ज़रा सा हटिएगा। हाँ जी, तो ये देखिए ये हो गई, ये ड्रेसिंग टेबल हो गई और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सेट है। तो ये मैं अपने स्क्रीन में पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये मेरे पूरे स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, ड्रेसिंग टेबल, बेड, फोर डोर डिवाइडर एंड फोर डोर कबर्ड एंड साइड टेबल्स, ठीक है जी। भाई इसकी कीमत बताइए ज़रा और सही बताइएगा। हाँ नहीं नहीं कम करें है, नहीं नहीं भाई कम कर दें। अच्छा वाला हाँ, नहीं नहीं वो तो है लेकिन कम करें, 90 बहुत हो जाएगा। कितना कर देंगे बताइए, 70 हो जाएगा। हाँ 50 में हो जाएगा, 50 में हो जाएगा। हाँ 85 नहीं नहीं 50 कर दें भाई, या 60 कर दें चलें। 60 नहीं हो जाएगा। तो आपकी कितना बोल रहे हैं, 60 60? 80,000 80 से कम नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है, बाकी आप आके खुद ही भी इनसे बार्गेनिंग करवा सकते हैं। तो अच्छा जी, ये जो है ये सेट कितने का है, सेंटर टेबल एंड साइड टेबल? 15,000 10 करें भाई, 10 करें, 10 डन है, 10 ठीक है, 10 डन है, 15,000 से कम नहीं कर रहे हैं। और अब आप देख लीजिएगा आके बाकी। अच्छा ये क्या है, ये कबर्ड? ये बहुत डिफरेंट सी कबर्ड है, स्लाइडिंग अलमारी है, तैयार करके देंगे। अच्छा स्लाइडिंग, ठीक है, ये स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं इसमें, है ना? ये कोई ऑर्डर पे बनाई गई है शायद, है ना? हाँ तलिसी है ये। तो सारे स्लाइडिंग डोर है जी। तो इसकी कीमत बताइए जी। ये तैयार करके 12,000। 12 की कम करें, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके जी डन हो गया 10। अच्छा ये मैट्रेसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके ना, हाँ सेकंड हैंड है ना ये, क्या स्प्रिंग मैट्रेस है? कितने का हो जाएगा ये? फोम वाला। ये अच्छा ये फोम का है, कितने का देंगे ये? 12,000। 12 का कम कर देंगे ना वैसे? 10,000। 10 में कर देंगे। बाकी इसी तरह के मैट्रेसेस और भी हैं आपके पास, तो आप यहाँ आके खुद भी बार्गेनिंग करवा सकते हैं। अच्छा ये क्या, ये सेट है आपका पूरा? ये खाली ड्रेसिंग, ये सिर्फ ड्रेसिंग टेबल है। अच्छा इसका पूरा सेट कोई ले गया होगा, है ना? तो ये अच्छा ये सिर्फ ड्रेसिंग टेबल, अगर किसी को ड्रेसिंग टेबल सिर्फ खरीदनी है तो कितने की कर रहे हैं ये आप? पड़ेगा 10,000। अच्छा ये तो आपको बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ड्रेसिंग टेबल तो कोई ले तो ले ले। अच्छा तो बस अब ये मैंने यहाँ तक तो दिखा दिया, अब आपकी ये जो दूसरी बराबर में शॉप है इसका भी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है जी। तो चलिए अब यहाँ मैंने मुकम्मल दिखा दिया है, मैं बराबर में और दिखाती हूँ आपको जी। ये सेंटर टेबल कितने की है? 8,000 की। अच्छा ये सेट, ये सोफा सेट? 18,000 कम करके 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके जी डन हो गया है, 15 में डन हो गया है। अच्छा दूसरा अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पे ये डाइनिंग सेट नज़र आ रहा है जी। ये डाइनिंग सेट कितने का होगा? हाँ कितना? 30 नहीं 30 डन है, ठीक है, 30 पक्का है, ठीक है जी। 30,000 में ये डन है। ओके जी। अच्छा ये आपके ऑफिस चेयर ये कितने की हो जाएगी? 8,000 की। अच्छा और ये पिंक वाली, ये वाली? 7,000। ये 7,000। अच्छा बाकी ये कुछ कबर्ड्स वगैरह हैं आपके शायद ना, ठीक है। हाँ जी भाई ये कितने का हो जाएगा? कितने का? 8,000। 8,000 8,000 का। ओके जी ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। और ये सिंगल बेड है? सिंगल बेड। ये कितने का हो जाएगा? 12,000। 12 का? अच्छा 10 करें, ये तो सिंगल सा है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये क्या दो हैं? ये दो है, दो सिंगल बेड हैं, तो कितने का हो जाएगा ये? दो सिंगल बेड नहीं है, 5x6 का साइज है। अच्छा कितने का हो जाएगा ये? ये दोनों हो जाएंगे आपको 16,000 रुपए। 15 हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अच्छा ओके जी, डन हो गया 15 में। एंड अब ये देखें, ये एक टेबल है, ये कितने का हो जाएगा? ये आपको 4,000 का। ठीक है जी। अच्छा अब मैं यहाँ आई हूँ तो देखें, ये बहुत ही पुरानी टाइप का है सोफ़ा सेट, लेकिन बहुत से लोग यूज़ करते हैं जी। भाई ये कितने का हो जाएगा? ये पॉलिश करके जैसे ये चमक रहे हैं जी जी जी, ये तैयार करके देंगे आपको 12,000 रुपये का। 10 कर दीजिए। ठीक है, 10 डन है ना? अच्छा ठीक है जी, ओके। ये लकड़ी कौन सी है? ये शीशम है, शीशम की है, पक्की लकड़ी शीशम की बनी। अच्छा अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये आपके मैट्रेसेस भी हैं? हाँ मैट्रेस, ये कितने का वाले हैं? ये न्यू है। अच्छा कितने का हो जाएगा? ये मैट्रेस की कंपनी है ईगल स्टार जी जी। अच्छा ये आपको 6 इंची का मैट्रेस 15,000 का पड़ेगा। हाँ। और 5 इंची का मैट्रेस 13,000 रुपये का पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी। और ये बेडरूम सेट है? ये 6x6.5 का बेड है। अच्छा ये सिर्फ बेड है, ओनली बेड? प्योर लकड़ी का बेड है। अच्छा कितने का हो जाएगा ये? बाकी 15 का है, ये 13 का फाइनल दे देंगे। 10 कर लीजिए अभी। मैं ये 10 का नहीं पड़ेगा, मैं अभी 12 दे देना। लायंस एरिया तक मैंने दिखाई है, आज भी मेरी एक वीडियो हुई है। ये फाइनल 12 का पड़ेगा। अच्छा 16 का 12 का, आपकी चैनल की वजह से ये 12। अच्छा अच्छा ठीक है जी, चलें। है खूबसूरत लेकिन ये 12 से कम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी आप यहाँ आके बार्गेनिंग वगैरह करवा सकते हैं जी। ये भी बेड है ओनली? ये बेड है जी, 6x6 का। ये भी प्योर लकड़ी का जाल है जी। ये कितने का हो जाएगा? 6x6.5 का ये है, 17,000 रुपये का। ये आपको फाइनल 14,000 रुपये का पड़ेगा, डिजाइन वाला बेड है। अच्छा जी, ये भी 10 तक नहीं जाएगा? ये 10 तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपको इतनी कोशिश करते हैं तो ये आपको फाइनल 13.5 का करते हैं। अच्छा चलें, 1.5 को छोड़ दें, 13 कर लीजिए। ये 13 का फाइनल, 13 बोल देती हूँ मैं, ठीक है ना? तो देखिए ये 13 पे एग्री हो गए हैं, और इस तरह से ये कार्विंग हुई भी है और अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। अच्छा दूसरे फिर यहाँ पे अलमारी जी, ये कितने की हो जाएगी? बाजी ये यूज़ हुई हुई है, ये आप नहीं लेंगी तो ये 12-12.5 की है। ये हम आपको 8.5 की बजाय 7 की फाइनल दे देंगे। अच्छा 7,000 में दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये बेडरूम सेट है यहाँ पे? ये पूरा बेडरूम सेट है, हैबिट वालों का बेडरूम सेट है ये। दो किसका? हैबिट का जी, हैबिट का। अच्छा पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। तो देखिए ये हैबिट का बता रहे हैं, ये सेट सेकंड हैंड है। तो देखिए ये इस तरह से है, दो इसकी साइड टेबल्स हो गई, ठीक है। अच्छा ये बेड हो गया, कुशन लगेगा। हाँ इधर कुशन लगेगा, ठीक है। और ये बड़ी वाली इसकी ड्रेसिंग टेबल। अच्छा ये ड्रेसिंग टेबल है इसकी। थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप आके यहाँ देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या आप डे टाइम में आएंगे ना, दिन में आएंगे तो आपको ये इसकी अलमारी है। हाँ जी ये 3 डोर इसकी कबर्ड हो गई। कबर्ड हो गई। हाँ जी भाई, इसकी कीमत बताइए ज़रा। भाजी ये 65,000 का, ये 50 में फाइनल दे देंगे। 50 में दे देंगे, अच्छा ठीक है। तो ये देखिए मेरे स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, ये हैबिट का बेडरूम सेट है, जो कि आपने फाइनल कितने में कर दिया है? 50 में ही आपको दे देंगे, ठीक है। अभी ज़रा थोड़ा यहाँ अंधेरा हो रहा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वरना अच्छा है ये। और बाकी आप यहाँ आके खुद देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी, ये भी बेडरूम सेट है? ये बेडरूम सेट नहीं है, बेड है और दो साइड टेबल है और ड्रेसिंग। हाँ तो बेडरूम सेट हो गया ना फिर तो? बेडरूम, हाँ बेडरूम सेट हो गया। देखो देखिए ये बेड है। अच्छा ये ऐसे दिखा दीजिए। हाँ ये साइड टेबल्स हो गई, ये इसकी ड्रेसिंग टेबल हो गई, ठीक है। हाँ बस कबर्ड नहीं है, लेकिन कबर्ड भी मैचिंग हो जाएगी जी भाई। इसकी कीमत बताइए जरा। ये बाजी अगर 3 डोर कबर्ड के साथ लेंगे आपको 40 में फाइनल पड़ेगा। 40 में? और विदाउट कबर्ड के? विदाउट कबर्ड के ये आपको फाइनल जो है 30 का पड़ेगा। 30 का डन कर रहे हैं आप, ठीक है ना जरा सा। हाँ बेड और ये अलमारी रखी। अच्छा 2 डोर अलमारी है, ये मैचिंग हो सकती है। ये तो पूरा सेट है ना? पूरा पूरा सेट। अच्छा इधर शीशा लग जाएगा, इसमें शीशा रखा हुआ है। अच्छा ये कंप्लीट बेडरूम सेट है। ये कितने का हो जाएगा? ये आपको फाइनल हो जाएगा 30,000 रुपये का। 30,000, ओके जी। कि ये मेरे स्क्रीन पे आपको पूरा नजर आ रहा है, ये बेड हो गया जी जी, ये कबर्ड हो गई और ये बेड है। अच्छा ये 2 डोर अलमारी और बेड, ये आपको फाइनल 25 का कर देंगे। अच्छा वेरी गुड, इसमें 25 में ये बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये वाला मैंने अभी आपको दिखाया था, इसका भी कुछ कमी कर दीजिए भाई। बाजी ये बेड ड्रेसिंग और दो साइड टेबल, हाँ ये फाइनल 30 में हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए 30,000 का है, ये भी हैबिट वालों का डिजाइन। अच्छा अच्छा, यहाँ जगह थोड़ी कम है वरना मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से दिखा पाती। खैर, अभी इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेड हो गया, ठीक है, ये कवर्ड हो गई और साइड टेबल्स मैंने अभी आपको दिखा दी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी भाई। ये क्या है ये बेड? लेमिनेशन का 6x6 का बेड है। हाँ हाँ जी, ये अलमारी, बेड और इसकी 2 फीट की ड्रेसिंग। हाँ हाँ, ये आपको 45,000 रुपए का सेट न्यू लेमिनेशन में। अच्छा, 40 कर दीजिए भाई, 40। ये लेमिनेशन है, ठीक है, तो ये फाइनल आपको जो है ना 45 का पड़ेगा। 45 छोड़े, मेरे कहने पे 40 कर दीजिए। 40 का नहीं पड़ेगा, 40 नहीं होएगा, 55-60 का सेट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बड़ी दुकानों पे जाएंगे तो 70-75 का ये सेट दे। अच्छा, 45 करेंगे, ये 45 आपको फाइनल अच्छा, हो जाएगा। अच्छा जरा ठीक है, मैं दिखाना शुरू करूँ। देखिए ये बेड हो गया, ओके, अच्छा ये हो गई इसकी कबर्ड, 3-डोर कबर्ड एंड साइड टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल, वो किधर है? दो इसकी अपना सिर्फ ड्रेसिंग होगी। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल है, दिखा दीजिए। ड्रेसिंग 2 फीट की है, वो देख गई जी जी। अच्छा, तो इसके साथ क्या होगा? ड्रेसिंग टेबल होगी, हाँ, एक ड्रेसिंग टेबल है और 3-डोर अलमारी। अच्छा, और बेड। अच्छा जी, तो दोस्तों मैंने इनकी शॉप आपको फुल शॉप विजिट करवा दिया है विद प्राइजेस। अब ये आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे जी, कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा प्लीज। हरीशा न्यू लेमिनेशन मार्ट, 0307-222-0394, जाकिर हुसैन कुरई बलोच। अच्छा, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपने बता दिया जी जी, ठीक है, मुझे कार्ड भी दे दीजिएगा प्लीज। ये कार्ड, ठीक है, तो अब मैं आपको इनका कार्ड भी दिखा रही हूँ, इन्होंने खुद भी बता दिया नंबर, ठीक है, इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ये है इनका कार्ड भी मैं बता रही हूँ, और मैं अपने स्क्रीन पे भी इनका नंबर चला दूंगी, ठीक है जी, शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसका एड्रेस मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ जी भाई, तो इसका एड्रेस ज़रा व्यूअर्स को और समझा दीजिए। गुलिस्तान जौहर, कमरान चुरंगी, नज़दीक सैमा प्लाजा। अच्छा ठीक है, ब्लॉक 11। और आपकी दुकान का नाम क्या है? हरीशा न्यू लेमिनेशन मार्ट। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है? नहीं, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ठीक है। कार्ड बाय फेस आपको पहचान जाएंगे, आप ओनर है ना, मालिक है ना? मैं ओनर हूँ, मेरा नाम जाकिर हुसैन। हाँ जी, ठीक है, तो दोस्तों आप इनको बाय फेस भी पहचान जाएंगे, और इन्होंने कार्ड भी अपना दिखा दिया था। तो अब ये देखिए, ये आपको सामने यहाँ नज़र आ रहा है, ये स्टाइलो भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको अली से ब्लाउज भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब ये है इनकी शॉप। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।